Assalamualaikum guys, welcome to another vlog. और उम्मीद है कि आप सब बेहतरीन होंगे. तो इस डर से कि आपको पता है कि हमारे बकरियों की जाना रोजाना की रूटीन है कि वो जाना सुबह सुबह बाहर चल जाती हैं. तो ये देखिए, ये तीन यहाँ पर ठहरी हुई हैं और ये एक जाना वो वाली यहाँ पर ठहरी हुई है. ये सब जाना बड़े मज़े से अपना खाना खा रहे हैं और मौसम देखें कितना ज़्यादा प्यारा हुआ पड़ा है. ये देखें, काफ़ी ज़्यादा जाना ठंड ठंडी हवा चल रही है तेज़ तेज़. ये देखें, इसकी वजह से ना ये भी जाना, ये भी यहाँ पर सुकून से अपना खाना खा रहे हैं और ये वाले भी जाना यहाँ पर सुकून से घूम रहे हैं. नहीं तो इस टाइम जो है ना ये छाव तलाश कर रहे होते हैं. लेकिन आज जो है ना धूप बिल्कुल नहीं है और ठंड ठंडी हवा चल रही है, तो परिंदे जाना थोड़ा सा सुकून में. मौसम जो है ना और भी ज़्यादा दिलकश हो चुका है गायद, क्योंकि ये देखें काले काले बादल आ चुके हैं और बादल जो है ना वो गरज रहे हैं और हमारे परिंदे जना भी यहाँ पर अच्छे तरीके से सुकून कर रहे हैं सारे. लेकिन डक हमारे कैसे नीचे बैठे हुए होते हैं, डक की बर्ड वगैरह भी, और ये जना ये आपस में बैठे बातचीत कर रहे हैं और हमारे मुर्गी जना अंडों से उठ कर दूसरी जगह पर बैठी हुई है. इसके काम चेक करें, अगर ऐसे बैठी रहेगी तो ये कब अंडे की वेट करेगी. हैं भाई, कब करोगी? चलो जल्दी जल्दी से फिर अपने अंडों के ऊपर बैठ जाओ. और ये जना अभी अंदर हैं क्योंकि अभी जना इनका रेस्ट टाइम है और बारिश जना किसी भी वक्त आ सकती है, तो इसलिए जो ना इन्हें अंदर शिफ्ट कर दिया. बाकी ये जो ना हमारे पैरेट वगैरह भी ठंड ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं. कुछ देर पहले जो ना वो हल्की हल्की बूंदा बांदी हुई थी, लेकिन फिर जो है ना वो रुक चुकी थी. लेकिन अब जो है ना फिर से तेज़ तेज़ हवा चलना भी शुरू हो चुके और बादल जो ना जोर जोर से गरजना भी शुरू हो चुके हैं. तो फिर देखते हैं आपके कब बारिश आती है और कब जो ना हमारे डक्स पे जो ना बारिश के अंदर नहाती हैं. बारिश जो है ना काफ़ी देर से हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हुई है. ये देखें यहाँ पर जो है ना एक बार फिर से सारा पानी ठहर चुका है. ये देखें साथ साथ जो है ना हवा भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो देखें हमारे बेरी का दरख्त जो है ना टूट चुका है. वो देखें और इधर के हालात देखें, ये सारी कालीन जो है ना कितना वज़नदार है. ये भी हवा की वजह से जो है ना ऊपर की तरफ चली गई, जिसकी वजह से पानी जो है ना यहाँ पर भी दाखिल हुआ है और यहाँ पर भी. देखिए बकरियाँ जो है ना थोड़ी थोड़ी गीली हो चुकी हैं, इन्हें जो है ना मैं भी निकाल कर इस वाले सेफ्टी रूम के अंदर शिफ्ट करता हूँ और बाकी जो है ना माँ परिंदे वगैरह जो है वो फिर इस वाले घर के अंदर चले जाएंगे. और हमारे पैरेट जो है ना वो बिल्कुल ठीक बैठे हैं यहाँ पर. ये देखिए इनको जो है ना बाहर निकाल लिया इनके घर से. अभी जो है ना रस्सियाँ मैं वहाँ से खोल लूँ, वहाँ पर बंद हुई सारी रस्सियाँ, तो इनको जो है ना फिर मैं अंदर शिफ्ट करता हूँ और वो वाली बकरी जो है वो नीचे चली गई जहाँ पर नीचे घूम रही है. और ये जो है ना परिंदे बैठ रहता है इस वाले घर के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे. रैबिट जो है ना वो अपने घर के अंदर घूम रहे होंगे. ये वाला बेरी का दरख्त देखें जहाँ पर हम जो है ना हम अपनी बकरियों को बांध देते हैं. ये देखिए ये जो है ना यहाँ से टूट चुका है और यहाँ जहाँ पर इस जगह पर बकरियाँ बांधते हैं यहाँ जो है ना काफ़ी ज़्यादा पानी ठहर चुका है. ये देखें कितना ज़्यादा पानी है. मेरे हाथ में जो है ना दोस्तों ये देखें कुल्हाड़ी मौजूद है, जिससे जो है ना दरख्त का जो हिस्सा टूट चुका है वो जो है ना अपनी बकरियों के लाएंगे. क्योंकि अभी वहाँ पर पानी है तो बकरियाँ जो है ना वहाँ पर जाएंगी नहीं, तो वही वाला टुकड़ा जो है ना वो वहाँ से काट कर बकरे के आगे डाल देंगे. इन सब को जाना मैंने अंदर बंद कर दिया. इनको जाना बाजरा भी अंदर डाल दिया है और कबूतर भी जाना अपना खाना खा रहे हैं. रैबिट को भी डाल दिया है, लेकिन अभी जो अभी तक जो है ना पैरेट को नहीं डाला, क्योंकि ये देखें उनको जो ना सुबह डाला था वो उन्होंने सारा गिरा दिया है. बाकी हमारे डॉग्स वगैरह वो देखें वो जाना यहाँ पर खाना खा रही हैं बड़े अच्छे से और हमारी मुर्गियाँ वगैरह भी बाहर ही हैं अभी. और हमारे डॉग्स की खुशियाँ चेक करें बारिश में, ये देखें कितनी ज़्यादा जो है ना वाइट हो चुकी हैं. बारिश जो है ना एक बार फिर से तेज़ होती जा रही है, तो अब क्या करते हैं बकरियां जो नीचे ठहरी हुई हैं वो देखें वो जो है ना वहाँ पर बेरी के पत्ते खा रही थी, तो उनको जो ना अभी फल घर में शिफ्ट करना ज़रूरी हो चुका है. बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो देखें वो जो ना बकरियां आ रही हैं, तो अभी इनको अंदर शिफ्ट करके जो ना फिर मैं इन्हें बांध देता हूँ रखे से. वो देखें आ रही है, आ रही है माशाल्लाह. बकरियाँ जो है ना यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी हैं. ये देखें दो यहाँ पर बंधी हुई हैं अपना खाना खा रही है और दो जो है ना वहाँ पर बंधी हुई हैं. देखें लड़ झगड़ भी रही हैं माँ बेटी और अपना खाना भी खा रही हैं. हमारे छोटे तो देखिए जो है ना पहले वाली फीड सारी पानी के अंदर भीग चुकी थी. ये देखें तो फिर जो है ना मैंने उसे चेंज कर दिया और अब जो है ना बर्तन को थोड़ा अंदर करके रखा है ताकि ये जो है ना आराम से खा सकें. और अब जो है ना बड़े आराम से खा रहे हैं, उनके ऊपर बारिश के कतरे नहीं आ रहे. और ऐसा ही हाल जो है ना इनके साथ भी था, तो इनका बर्तन भी जो है ना थोड़ा दूर करके रखा है तो उन पर भी बारिश के कतरे नहीं आ रहे, वो भी बड़े आराम से खा रहे हैं. इन वाले परिंदों को अंदर मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर जो है ना बाहर छोड़ दिया, क्योंकि अभी जो है ना ठंड ठंडी हवा चल रही है तो ये खुश हो जाएंगे. और डक्स जो है ना वो पानी के अंदर एज़ यूजल पहुँच चुकी हैं. वो देखें खुश हो रही हैं, पर फैला रही हैं. बारिश जो है ना कब से बरस रही है, लेकिन ये देखें कम होने का नाम नहीं ले रही. मौसम जो है ना मज़ीद ख़राब होता जा रहा है, हवा जो है ना काफ़ी तेज़ चल रही है. देखें
पहले वो वाला देरी का दरख्त टूटा है, हवा की परेशान से जो ना ये भी इधर उधर हो रहा है, कहीं ये भी ना टूट जाए क्योंकि भाई ये वाले बंदे जो ना ये बाहर ही हैं, अभी सारे बाहर घूम रहे हैं। बस देखते हैं कब तक बारिश रुकती है, देखें पानी कितना ज़्यादा जमा हो चुका है नीचे और मज़ीद भी बारिश हो रही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। अरे जो है ना दोस्तों वो तो रुकने का नाम ही नहीं दे रही, कब से हो ही जा रही है। तो बस क्या करते हैं, हमारे बर्ड जो है ना बारिश को एंजॉय कर रहे थे तो थोड़ा सा हम भी इंजॉय करते हैं। तो आज का लॉक था दोस्तों, बस यही लगता है आज का लॉक करते हैं पर खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।